Hey everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to याचना साइंस क्लासेस. तो आज फिर हम आ जा रहे हैं एक नए प्लांट के साथ, और आज का एक नया प्लांट है बैम्बू प्लांट. तो अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम ऑफ बैम्बू प्लांट इज़ बैम्बूसा. इट हैज़ मेनी स्पीशीज लाइक बैम्बूसा वल्गेरिस इज़ एन एग्जाम्पल. तो अगर हम बैम्बू प्लांट की बात करें तो इसके बहुत सारे यूजेज़ हैं, और अपने आप में ये एक यूनिक प्लांट है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स स्टेम, तो यू कैन सी इट्स स्टेम. इसका स्टेम जो होता है ये वुडी होता है, और इसके नोड्स होते हैं. यू कैन सी इनके जो नोड्स होते हैं ये होलो होते हैं. इसके नोड्स कैसे होते हैं? होलो होते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स लीव्स, तो हम इसकी लीव्स की अगर बात करें तो इसकी लीव्स होती हैं पैरेलल वेनोशन होती हैं इन लीव्स की. बिल्कुल ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, और ग्रास फैमिली में लार्जेस्ट प्लांट है ये. अगर हम बात करें ग्रास फैमिली की, तो ग्रास फैमिली में सबसे लार्जेस्ट प्लांट कौन है? बैम्बू प्लांट. इसके लीव्स अपने आप में बहुत लॉन्ग भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट भी हो सकती हैं. डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज़ पे. बैम्बू प्लांट के ख़ास बात ये है कि इसके फ्लावर्स बहुत सालों में जाकर एक बार आते हैं. हो सकता है इसकी पूरी लाइफ में एक बार फ्लावर आए, और एक बार फ्लावर करने के बाद, फ्लावरिंग होने के बाद बैम्बू प्लांट कैन डाई. ठीक है, सो दिस इज़ यूनिक थिंग अबाउट इट. ये एंजियोस्पर्म है, पोएसी फैमिली से, ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है. फ्लावरिंग इसकी लाइफ में एक ही बार होती है, और इसकी फ्लावरिंग जो होती है जब मास फ्लावरिंग होती है, बहुत ज़्यादा एकदम से फ्लावर ग्रो करते हैं इसके, एंड देन दिस प्लांट डाई. नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स यूजेज, तो बैम्बू प्लांट हैज़ वेरियस यूज़. फर्स्ट थिंग, इट कैन लोअर द बैड कोलेस्ट्रॉल. जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर हम इसको फूड के तौर पर यूज़ करें तो इसके अलग अलग तरीके से हम इसको खा सकते हैं, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, हार्ट रिस्क से बचाता है. नेक्स्ट थिंग, इट इज़ कैन बी यूज्ड एज बायोफ्यूल, और बायोगैस में इसको यूज़ किया जा सकता है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ग्रीन हाउस गैसेज को एब्जॉर्ब करता है, और एटमोसफेयर को प्योरीफाई भी करता है. नेक्स्ट थिंग, ये एवरग्रीन प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है. बहुत सालों तक इसकी लाइफ साइकिल होती है, तो हमें ये वुड भी देता है, फर्नीचर के काम इसके स्टेम आ सकते हैं, और बहुत सारे मटेरियल बैम्बू प्लांट से बनाए जा सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट बैम्बू प्लांट. नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए प्लांट के बारे में जानकारी लेकर आएंगे. प्लीज़ कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन, सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर थिंग्स, कि तुम्हें कैसा लगा हमारा इन्फॉर्मेशन. थैंक यू ऑल.